सरकार ने सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली योजना बनाई है ताकि गरीबों को सस्ते दरों पर राशन मिल सके, परंतु बस्ती जिले के दुबोलिया ब्लॉक के समरा मुस्ताकम गांव में कोटे की दुकान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस गांव का कोटेदार पिछले 5 वर्षों से पप्पू सहित 394 गरीब कार्डधारक परिवारों के हक पे डाका डालने का काम कर रहा है। मैं विनय कुमार और यह है मेरा समुदाय। आपका राशन कार्ड बना कि नहीं? बना है। राशन मिलता है? बराबर नहीं मिलता है। कितना मिलता है? 32 किलो। कितने दाम पे मिलता है? 100 रुपए में। मेरा तो बीपीएल है ना, 2000 में बता रहा हूँ। इस समय बीपीएल कार्ड पे तो 165 रुपए लेते हैं, 25 किलो राशन देते हैं। आपका अंत्योदय का कार्ड है? नहीं, बीपीएल है। राशन कार्ड पे क्या समस्या है? राशन कार्ड से बहुत समस्या, इसलिए वो क्या करते हैं, अंत्योदय कार्ड वालों को 100 रुपया लेकर 32 किलो राशन देते हैं, बीपीएल वालों को 165 रुपया लेकर 25 किलो राशन देते हैं। चीनी कभी देते ही नहीं है, मट्टी तेल देते हैं तो अगर 5 मांगो 4 देते हैं, 4 मांगो 3 देते हैं, और ना तो समय पे कभी राशन बढ़ता है ना तो मट्टी तेल बढ़ता है। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी बात किया? इसके लिए तो बहुत कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। किसके माध्यम से? प्रधान के माध्यम से हुआ, लोगों के माध्यम से हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ उसका। और वो हमेशा धमकी भी देता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप सब, जो तुम्हें करना चाहिए कर, हम तुम्हें नहीं देंगे। राशन बराबर मिला था आपको? कब वो मिला वो घाय बैठा रहा थे। रसना कितना मिला था? 35 किलो मिला था, लेकिन 25 किलो दिए थे। और कितना पैसा लेते? 105 रुपया लेते। हर महीना राशन मिल जाता है आपका? रात तो है ना, कब वो मिला कब वो ना ये मिला। तो एक खर्चे आप लोग प्रयास किए कि हमें समय से बराबर राशन मिले? बहुत दायक है भाई, कहीं क्या हमारे ना पेट भाई, तब तू अपने पेट टाका हमें लोग भूखन मारा। और हकीकत ये बात, राशन में आप लोगों के का मिले थे? खाई हुआ गल्ला भर देते है, मेरे यहाँ जो कोटे का समस्या है, कोटे के समस्या में बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है और मेरे गरीब जनता को सुचारू ढंग से राशन नहीं मिल पा रहा है। अवैध तरीके से राशन बांटा जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान करके कोई भी अधिकारी आवे, जांच करके कोटा बंटवाया जाए। हमारे गरीब आदमियों को, गरीब परिवारों को कोटा सुचारू ढंग से मिलना चाहिए। कोटे के संबंध में हमने बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया और एप्लीकेशन भी दिया, जिला स्तर पे दिया, ब्लॉक स्तर पे दिया, तहसील स्तर पे दिया, लेकिन देने के बाद में भी कोई उसका निराकरण हमें नहीं मिल पाया। कोटेदार से जब कहा जाता है कि कोटा सही ढंग से बांटिए, सही तरीके से बांटिए, तो कोटेदार कहता है कि जितना राशन कार्ड बना है सही ढंग से कोटा हमें जो है उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कागजात द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा रामजोर के नाम से कोटा बताता है, जिसके सिग्नेचर या दस्तखत से बांटा जाता है उनका नाम राम मोहर है और बांटा जाता है ये केवाड़ी मुस्ताकम में। सिमरा मुस्ताकम का कोटा केवाड़ी मुस्ताकम में बांटा जाता है, यह भी गलत तरीका है। ठीक है, यह कोटा मौके पर सिमरा मुस्ताकम में ही बांटना उचित है। मैं ये चाहता हूँ मेरे ग्राम सभा का कोटा मेरे ग्राम सभा का कोटेदार बांटे और मेरे ग्राम सभा में ही बांटना चाहिए। मैं चाहता हूँ इस सरकारी गल्ले की दुकान का नियमित व नियमानुसार संचालन हो ताकि लोगों को समय पर व सही से राशन मिल सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि हरैया तहसील के SDM जिनका मोबाइल नंबर 94541-61-04 पर कॉल कर दबाव बनाएं, जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। मैं विनय कुमार, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश, इंडिया 100 के लिए।